सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आपको प्रोग्राम कराची की आवाज में, अभी कुछ दिन पहले ही जो गोली मार में बिल्डिंग गिरने का वाकया हुआ, एक एक लम्हा हमने अपनी आंखों से देखा, विटनेस किया और आपको दिखाया भी। उस हद तक नहीं आपको दिखाया जिस हद तक हमने विटनेस किया था, क्योंकि कुछ नशरी तकाजे होते हैं। लेकिन जो कयामत हमने वहां पर देखी वो ऐसी थी कि यकीन करें कि कई दिन तक तो हमें नींद नहीं आई थी। फिर उसके बाद मसला ये कि यहाँ पर जब तक के कोई धड़ाधड़ लाशें गिरे ना किसी वाकये में, उस वक्त तक किसी मामले को संजीदगी से लिया ही नहीं जाता। बिल्डिंग्स किस तरीके से कराची में जंगल की आग की तरह जो हैं वो फैल रही हैं, बन रही हैं, नाक के नीचे बन रही हैं SBCA के। अब जो मुख्तलिफ इलाके हैं, अभी दिल्ली कॉलोनी में जो बिल्डिंग जो थी, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि बिल्कुल एक बस खंबा बना हुआ था बिल्डिंग, वो जो पोर्शंस का फ्लैट्स का, और जगह थी सिर्फ 60 गज़ की, 50 गज़ की, 40 गज़ की। तो अब आप मुझे ये बताइएगा कि जो ऐसे ऐसे हम लोग आपको जगहों पे लेके जा सकते हैं, ऐसे ऐसे वाकयात आपको दिखा सकते हैं कि जहाँ पर कुछ तो ऐसे वाकयात हम जानते हैं कि जहाँ पर लोग जो हैं वो बाकायदा तौर पे जो कार्रवाई करने के लिए आए उनके साथ उलझ पड़े। जाहिर है अपना घर जब बन जाता है तो जाहिर है कि उस पर अगर आप हाथ डालोगे तो रिएक्शन तो आएगा, इसमें तो कोई शक नहीं। आप बनने क्यों दे रहे हो, सवाल ये पैदा होता है, ये बनने क्यों दे रहे हैं। अभी मैं सोल्जर बाजार में खड़ी हुई हूँ, दिल्ली कॉलोनी तो बहुत ही ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा दूँ ज़रा अपने बिल्कुल अकब में, तो ये ज़रा देखिएगा, ये मुझे 60 गज़ से भी कम की, 50 गज़ या 60 गज़ के दरमियान में ये जगह है जिसके ऊपर आप ये देख लें, ये इतने पोर्शन की यहाँ पर इमारत बना दी गई है। कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, किस पैमानों पर ये बनी होगी, खुद आपको यहीं से अंदाज़ा लगा लें आप। अभी जिस तरीके से ये इलाका है सोल्जर बाज़ार के, आपको पता है कि गोली मार में एक बिल्डिंग गिरी थी, जो एक तरफ गिरी थी वो दूसरी बिल्डिंग को जब उसने हिट किया तो 9 जनाजे को सिर्फ उसकी याद होगा आपको, 9 जनाजे से ज़्यादा वहाँ से कैजुअलिटीज़ हुई थी। शहर कायद में 30 के करीब जनाजे उठ गए, और उसके बाद अगर इसके लिए जो है वो भागा दौड़ी चल रही है इस वक्त SBCA की, तो मैं कहती हूँ 4 हरफ आपकी उस कारकर्दगी पर कि जिसमें आपकी तो आप जागे तो उस वक्त जागे जिस वक्त सफ़े मातम बिछ गया कराची में। और अभी बहुत सी ऐसी इमारतें, बहुत से ऐसे इलाकों में हैं कि जहाँ पर आज नहीं तो कल खुदा न खास्ता आपको किसी वक्त भी आवाज़ आ सकती है, किसी वक्त भी इससे बड़ा हादसा रूनमा हो सकता है। मसला ये है कि यहाँ पर आपको ये गारंटी कोई नहीं देने के लिए तैयार कि अब आप बिल्कुल महफूज हैं, अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, ऐसी गारंटी देने वाला आपको यहाँ से ऊपर से नीचे तक आपको कोई भी नहीं मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम सर। देखिए इस वक्त गोली मार के आपको वाकये ने हिला दिया होगा यकीनन, मुझे ये बताइएगा कि पूरा कराची भरा पड़ा है ऐसी इमारतों से। मैं वहाँ पे जब गई थी तो मैंने देखा था कि 80 गज़ की कुल मिलाकर जगह पर वो इतनी बड़ी वो इमारत उन्होंने बनाई थी, सिर्फ 5 साल पहले वो इमारत बनी थी, इंतहाई घटिया मटेरियल इस्तेमाल किया गया था, और उसके नतीजे में 30 के करीब जो थी वो जाने चली गई, 27-30, और जो है अल्लाह ना करे कि उसमें मज़ीद इजाफा हो, लेकिन 27 के करीब तो वो लोग थे कि जो कि जो इस दुनिया से इस तरीके से गए कि मैं बता भी नहीं सकती। इस वाक़े ने आपको कितना ज़्यादा जो था वो मोहतात किया है या कितना ज़्यादा खौफज़दा किया? जनाब मैं तो अफसोस ही कर सकता हूँ, और अफसोस का मकाम है, उसकी वजह यह है कि आप बताएं कि इस सब के जिम्मेदार मेरे हिसाब से SBCA और वज़ीर आला सिंध हैं, क्योंकि आप ये बताएं कि ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं ये उनकी नाक के नीचे हो रही हैं और सिंध गवर्नमेंट की नाक के नीचे हो रही हैं। और उसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ कि वज़ीर बल्दियात वो क्या कर रहे हैं इस मामले में, कहीं आपको वो नज़र आए? वो मुख्तलिफ सेमिनार में जा रहे हैं, वो मीडिया टॉक शो में जा रहे हैं, वो आपको दीगर जो है वो ऐसे इवेंट्स होंगे वहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। मेरा मकसद आपका बिल्कुल सही कहने का है, लेकिन ये बताएं ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि नहीं है, आवाम की जानो माल की हिफाजत और उनके ख्याल की जिम्मेदारी किसकी है? गवर्नमेंट की है ना, गवर्नमेंट ही आपकी आगे नहीं आती है। अब आप बताएं, आप खुद बता रही हैं कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और इस तरह की चीज़ें बनी हैं जिसको आपने कवर भी किया है, तो वो कैसे बन गई? वहाँ पे कोई इदारा, कोई लोग जो उसको देखते हैं,
नक्शा पास करते हैं, आज तक किसी बिल्डिंग का नक्शा आपको पास होता हुआ नजर नहीं आएगा। ये 6-6 फीट आगे निकालिए, जो नक्शे पास होते हैं ना उनकी भी एक अजब कहानी है, एक बड़ी गजब किस्म की उनकी जो है वो बैकग्राउंड होता है कि किस किस तरीके से कहां कहां पर लोग कहते हैं कि वहां पर पैसा खिला के इधर पैसा खिला के आपने इतने लोगों की जिंदगी स्टेक पे लगा देते हैं, ऊपर से नीचे तक सब मिले होते हैं ये लोग कहते हैं। नहीं तो बिल्कुल देखिए ना, आपके सामने अगर नहीं, अभी एक मीडिया के ऊपर एक 4 डायरेक्टरों की और उनकी एक वो भी चल रही है जो उनकी रिकॉर्डिंग किसी ने लीक की है, उसमें ये हो रहा है कि तुम जमशेद टाउन से मंथली क्या उठाते हो और क्या करते हो, और जो है ये जो है क्या नाम है अपना ये जो हम है ना ये कार्रवाई हमारे खिलाफ जो है हम रुकवा देंगे ये वो। आप ये बताइए आवाम का क्या कसूर है, बच्चों का क्या कसूर है, ये माँ बहनों का क्या कसूर है जिनको ये जगहें दी जाती हैं, जो बेचारे अनपढ़ हैं, जो बेचारे वहाँ जाके ये मालूम भी नहीं कर सकते हैं कि ये कितने मंजिल बन रही है, इसको अलाव है, नीचे क्या सरिया डाला है, क्या कंक्रीट डाली है, क्या नहीं डाला, और ये बनते जा रहे हैं। अब ये कल गिर जाएगी, लोग अल्लाह माफ़ करे उसमें मर जाएंगे, और 3-4 लोग आके ताजियत करेंगे जिसमें गवर्नमेंट वाले आएंगे नहीं, आएंगे भी तो लीपा पोती करके चले जाएंगे, वो बेचारे मरने वाले मर गए, आप जो है अपने ऐश और मज़े करते रहें, कोई भी देखने कहने बोलने वाला नहीं है सब जगह। और चीफ जस्टिस साहब के जो ऑर्डर है उस पर क्या अमल हुआ अभी तक, कुछ नहीं, उनकी सारे ऑर्डरों को हवा में उड़ा दिया गया है। आप ये बताएं क्या होता है, किसी को एक मिनट के लिए निकाल देते हैं उसके बाद दूसरे को वो कर देते हैं, इलाकों में पोषण बन रहे हैं, इलाकों में 4-4, 6-6 मंजिला इमारतें बन रही हैं, कोई पूछने वाला कोई कहने वाला नहीं है, चाहे वो 60 गज हो, चाहे वो 40 गज हो, चाहे वो 300 गज हो, वहाँ पे सब गैर कानूनी चल रहा है, ना कोई फ्रंट छोड़ता है ना कोई साइडे छोड़ता है। ठीक है बाबा, ये बताइए कि देखिए मैं कुछ मैं जो बात करूँगा सही करूँगा, मेरी उम्र गुजर गई लड़ते झगड़ते इनके खिलाफ दरख्वास्त देते हुए, ये रोड पे सादिकीन मंजिल, ये 50 फुट का रोड है, इसका वो मर गया, उसका बेटा ओ नली और उसके साथ कुछ बदमाश सियासी गुंडे लेके ऑफिस खोल के बैठे, पूरी बिल्डिंग बनाए, मैं नक्शे मेरे पास रह गए, मेरे पास दरख्वास्तें पड़ी है, KBC वालों ने मुझे भगा दिया, तुम SBC वालों जी SBC वाले इन्होंने मुझे भगा दिया। अच्छा उससे अभी 15 दिन पहले कचरे के टिप पे बिल्डिंग बन रही है, हम मोहल्ले वाले गए, पुलिस वालों ने मुझे धिक्के दिया, मैं मास्क पहन के रखा है, KBC की पुलिस जो इनका SBC हाँ ये मुझे धिक्के दिया, मेरे साथ लोग थे उन्होंने कहा, मैं बोला मुँह थे माधरा मुझसे बात करो, बोला बातचीत हो, मैं बोला तुम तोड़ने आए हो बातचीत करने आए हो, ये बिल्डिंग गैर कानूनी टूटे इतनी खतरनाक है, इसको जेक से करके पूरी तोड़ के गए थे, वो सामने नगोदी स्क्वायर आगे कैसे ये ऐसी थी, ये वही सादिकीन कौन अली वाले इनके इन्होंने, बस ये मैं कहूँगा वो आएंगे ये इदारे वाले आते पैदल है, वो सब में नालेक शख्स, इधर का चेयरमैन ये हालत देखे, गली की हालत देखे, कचरे के टिप की गाय बकरियाँ ये इनका है, चेयरमैन इनका है, निमाजी नहीं जा सकते, उधर आपको हफीज अंसारी भाई ने कहा अखबारी रिपोर्ट आप लोगों ने बंद कर दिए, इंक्वायरी नहीं, फिल्म नहीं बनाए, सारी बीमार गाय बेचे जा नहीं सकते, बोलते हैं न्यास की है, कोई न्यास की नहीं है, कारोबार होता है, ये सामने बिल्डिंग है आप जाके तोड़े, पैसे लिए गए चले 2-4 तो मुझे दिक्कत दिए, मेरे साथ ये मोहल्ले वालों ने उनको फिर बेइज्जत किया, लिहाजा चेयरमैन के पास जाओ, वो बोलते हैं वो तगड़ा है, वो उसको पैसे, मैं थाने का बोलूँगा थाने वाले पैसे ले जाएंगे, कुछ नहीं होता है। अच्छा बात ये भी तो देखे ना कि आपने जो बात की है ना 16 आने उससे मैं मुत्तफिक हूँ, ठीक है, लेकिन बात यहाँ से जो है ना शुरू होती है कि आपने ये बिल्डिंग बनाने दी गैर कानूनी तौर पर, फिर उसके बाद जब वो बन जाती है वहाँ पे फैमिलीज आ जाती हैं तो बेचारे जो लोग अंदर शिफ्ट हुए होते हैं उनके साथ भी तो एक ज्यादती होती है ना, कि फिर बाद में अगर उसको तोड़ने के लिए आएंगे तो किसी का तो पूरा का पूरा सरमाया लगा हुआ है, बच्चों समेत कोई घर किसी से अगर छत छीनेंगे तो जाहिर है कि आगे से रिएक्शन तो आएगा, उनके साथ भी तो जुल्म है। ये यहाँ पर लोग जो बेचारे गरीब ज़्यादा आगे नहीं होना चाहिए, मुझे तो मार के भी जाए मेरी एज गई चली कोई नहीं, यही मुखालिफ जिनके खिलाफ मैंने दरख्वास्त, मैं तस्वीरें बताता हूँ, ये बीच में बनी है, ये रोड पे कचरा गुंडी की बीमारी सुने, ये हो तो बीमारी है, मेन रोड पे 50 फुट का रोड है, मैं तस्वीरें बताता हूँ, मैं दरख्वास्तें 2-3 बताता हूँ, रमज़ान आया मैं गया, एक महीने में 4 छतें डाल दी, एक मैं रमज़ान में इत्तेखाफ में बैठा नमाजें पढ़ा, ओन अली
वक्कास और इसके साथ कुछ बदमाश नसीर ये सारे। इसमें अभी हम आए थे, हम वहाँ से जब गए तो हमने देखा कि बड़े उसमें गैप आया हुआ है उस बिल्डिंग के अंदर जिस तरह आप बता रहे हैं। वहाँ पर एक मीडिया पर्सन आए जो कि रिपोर्टर है किसी दूसरे कराची बेस किसी और चैनल के अंदर, तो आप लोग इधर आ गए, हाँ खड़ा था उधर। तो मुझे ये बताइए कि उनका क्या वो किरदार है, वो इतना ज्यादा जो है वो इस बात के ऊपर जो है वो लानतान क्यों कर रहे हैं कि यहाँ पे मूवी नहीं बननी चाहिए, यहाँ पे जो है वो क्लिप नहीं बनने चाहिए के आपके कहने के ऊपर। हालांकि वो भी मीडिया पर्सन है, मुझे अफसोस इस बात पे हुआ कि मैं खुद इस बात के लिए आवाज़ उठाती हूँ कि लोगों की छत नहीं छिननी चाहिए उनको जब तक कि अल्टरनेट ना मिले। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपकी हर धर्मी की वजह से किसी की जिंदगी आपके अलावा भी किसी और की जिंदगी भी इस पर लगे। वो साहब जो हैं वो हमारे मीडिया इंडस्ट्री का एक नाम है, भले छोटा नाम है लेकिन ये कि रिपोर्टर है एक चैनल के अंदर, और वो बाकायदा तौर पे वहाँ पे आए, उन्होंने बाकायदा तौर पे हमसे ये कहा कि नहीं आप ये मेरा घर साथ में है, आप कतई तौर पे यहाँ पर फुटेज नहीं बना सकती और आप लोग जो है, ओ भाई मेरी बात सुनो कि हमारा जो काम है ना वो हकायक सामने लेके आना है, आपको हमसे समझाने की ज़रूरत नहीं, आपसे सीखने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो ये कि अगर इस किस्म की आप बात सिखाओगे तो जवाब में हम भी आपको इसी तरीके से रिएक्शन हमारी तरफ से भी आएगा। बात यह है कि जो गैर कानूनी चीज़ है वो गैर कानूनी चीज़ है, आपके कहने के ऊपर हम जो गाय का गोबर है उसको गाजर का हलवा समझ के नहीं खा सकते, सॉरी टू से। मैं अभी उनका नाम इस वजह से नहीं ले रही हूँ, इसी इंसाफ ने तो उनका नाम ले भी लिया, मैं उनका नाम इस वजह से नहीं ले रही हूँ कि मैं खामखा कोई हाइप मीडिया किसी किस्म की कोई ऐसी सनसनी नहीं फैलाना चाहती हूँ जिससे ये लगा कि हम शायद आमने सामने आ गए। लेकिन होश के नाखून है भाई, अगर कोई बिल्डिंग यहाँ पे आज आपकी ज़िंदगी में खतरा होगा उसकी वजह से जो आसपास के दीगर लोग हैं ना उनकी ज़िंदगी को भी खतरा होगा, क्यों दूसरों का खून भी अपने सर पे ले रहे हैं। इस वक्त अगर मैं इस बिल्डिंग की आपको सिर्फ बात बताऊं, याद ज़रा देख लीजिएगा यहाँ पर मेरे सामने जो है वो फैमिलीज पे फैमिलीज कितने, 1 2 3 4 5 और ये भी उतनी तकरीबन जो है वो नीचे होटल है और ऊपर जो है वो बिल्डिंग बनी हुई है और कंस्ट्रक्शन का काम बड़े जो है वो धनाधन जारी है यहाँ पे। साथ में PMT है, खुदा ना खासा अगर ये गिर गई यहाँ पे एम्बुलेंस आने के लिए भी एक गाड़ी के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। हम यहाँ पे खड़े हुए हैं पैदल, हम आए हैं यहाँ पर क्योंकि हमारी गाड़ी तक आने के लिए जगह नहीं बन रही और इस जगह का हाल। पहले तो ये बताएं भाई बिल्डिंग की तो बात कर रहे हैं चेयरमैन साहब, आप कहाँ पे ये चेयरमैन के होते हुए में ऐसी जगह सोल्जर बाजार है भाई, ये ऐसी मतलब कहीं से कोई खुदा की कसम लगी नहीं रहा है कि चेयरमैन ने कभी इधर आके कदम भी रखा होगा। पता नहीं किस किस्म के हम लोग जो है वो शहर में रह रहे हैं। ब्रेक का वक्त हुआ है जनाब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद दिखाएंगे आपको, बहुत कुछ मेरे साथ रहिएगा। मैं अभी आपको बता दूं कि इस वक्त जो गली की हालत मैं आपको दिखाऊं, ये गली इतनी मतलब इसकी पूरी की पूरी अगर मैं आपको चौड़ाई सिर्फ बताऊं ना, ऐसा लग रहा है कि गली नहीं है कोई सुरंग है अंदर। किस तरीके से ये बाखुदा, ये खुदा ना खास्ता अगर एक बिल्डिंग भी अगर इनमें से कोई गिर गई, कोई शॉर्ट सर्किट हो गया या कोई ऐसा मामला होता है, यहाँ पे लाशें उठाने तक के लिए आपको वक्त नहीं मिलेगा और जगह नहीं मिलेगी आपको। खुदा ना खास्ता मेरे मुँह में खाक। इसहाक अब्बासी साहब, एक तो इलाके में भरमार इलीगल कंस्ट्रक्शन की, दूसरा यहाँ पर मुझे इतनी ज़्यादा इंक्रोचमेंट नज़र आई है और जो मुझे यहाँ पे गंद नज़र आ रहा है, यकीन करें कि ऐसा लग रहा है कि मैं किसी कचरा कुंडी में खड़ी हूँ, किसी गली में नहीं खड़ी। तो ये मतलब क्या है, ये मतलब कहाँ पे हम सांस ले रहे हैं ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को K21 का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरीके से आप लोग मेहनत कर रहे हैं और जिस तरीके से आप इस पॉइंट को आवाम के सामने और गवर्नमेंट के सामने लेकर आ रहे हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूं आपके चैनल को। दूसरा मसला ये है कि जिस तरीके से कराची बिल्डिंग अथॉरिटी ने खुले आम परमिट दे दिए हैं लोगों को खेलने के लिए और जिंदगियों को खेलने के लिए और रिश्वत का बाजार जो है ना बहुत उरूज पे पहुँचा हुआ है और जिस तरीके से जाने यहाँ पर जा रही हैं और जिस तरीके से लोग मर रहे हैं और लोगों की जमा पूंजी जो ख़त्म हो रही है, मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर फौरी तौर पर हुकूमत को जागना चाहिए और हुकूमत को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वैसे भी लोग जो है महंगाई के तले जो है बहुत ज़्यादा दबे हुए हैं और लोग जो है अपनी मेहनत और मजदूरी की जो कमाई और पूरी ज़िंदगी की जो कमाई इसके ऊपर इन्होंने लगाई है, बेचारे गरीबों ने, इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। मैं यहाँ से
कंज्यूमर एसोसिएशन और पाकिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से मैं कौकब इकबाल साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो फौरी तौर पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को फौरी तौर पर इमरान खान कराची के हालात के ऊपर जो है फौरी तौर पर एक्शन लें, और कराची के अंदर जो है ये पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी होने, और मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी हैं, और इन पाकिस्तानियों के लिए वज़ीरे आज़म को ये चाहिए कि वो फौरन एक्शन लें। इमरान साहब आपको कराची वाले ने वोट दिया है और आप वोट देने के बाद अपना दौरा कैंसिल करते हो, क्यों दौरा कैंसिल करते हैं? आप आएँ और आवाम की अदालत में आएँ और आवाम से आप आकर पूछें कि ये किस हालात के अंदर गुजर रहे हैं। अच्छा, अब जरा बात कर लेते हैं इलाके के असल वाले जिस मकसद के लिए हम आए हैं। भाई ये बताएं कि इस वक्त आप पूरे सोल्जर बाजार में अगर आप देख लें, दिल्ली कॉलोनी और दूसरे इलाकों की तो हम बात करते हैं लेकिन सोल्जर बाजार को तो भी हम विजिट करके हैरान रह गए। इतनी गैर कानूनी, इतनी ज़्यादा रिस्क लेकर जो है लोगों की ज़िंदगी के ऊपर ये ऐसी ऐसी इमारतें बनाई जा रही है, इमारत दर इमारत दर इमारत। आपको खौफ आ रहा है ये गोलीमार का वाकया देखने के बाद? कुछ खौफ आया? क्यों नहीं खौफ आ रहा है हमें, मगर ये जो है ये इनकी इदारों की गलती है सारी। ये सारे इदारे वालों ने इनको इजाज़त दी है, उन्होंने पैसे लिए इनसे और बाकायदा 6-6, 7-7, 8-8 मंजिलें बनवाई है। जिसको देखो ना वो आजकल वो ठेकेदार बना है, चूड़े चमार जो भी है वो देखो तो आज ठेकेदार बने हुए। तो ऐसे हाथों ऐसे ऐसे के हाथों में काम चले जाएगा तो लाजमी बात है ऐसे हादसा होंगे। इनको चाहिए कि पहले इदारों को पकड़े कि आपने कैसे इनको इजाज़त दे दी। इदारों को पकड़े, आपको पता है ना, आपको इस बात का पता होगा कि लीज बंद है इस वक्त कई अरसे से, साल से ज़्यादा हो गया लीजें हो रही है। आपकी भी इतनी तनख्वाह नहीं है जितने वो दिन में कमा रहे हैं, उन लोग लाखों रुपए हैं, एक एक लीज के लाख लाख, डेढ़ डेढ़ दो दो लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए ले रहे हैं। अच्छा मैं आपको मैडम एक बात बताऊं कि आप ये देखें कि जितने भी ठेकेदार हैं सब ठेकेदार माशाल्लाह दाढ़ियों वाले हैं और नमाजों वाले हैं। अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि जो बेईमानी करेगा, जो चोरी करेगा और जो लोगों के हकूक़ पे डागा मार देगा उनकी नमाजें उनके मुंह पे मार दी जाएंगी, उनके मुंह पे मार दी जाएंगी। ये तमाम ठेकेदार जो हैं दाढ़ियों वाले, और आप दाढ़ी को प्लीज़ बार बार बीच में मत लेके आए क्योंकि ये गलत चीज़ है कि हम लोग जो हैं वो किसी एक चीज़ को लेकर जो कि इस्लाम में जो है जिसका बड़ा तकद्दस है हम उसको लेकर जो है वो ये वाली बात करें। ये वाली बात के अलावा मैं आपकी इस बात से 100% इतफाक करती हूँ कि देखें वहाँ पर बहुत सारे ऐसे जो इस्लामी लिबादे में आपको नज़र आएंगे, हुलिया ऐसा बना के बैठेंगे लेकिन उनकी अगर आप करप्शन अगर देखें वो एक अलग कहानी चल रही होती है। नहीं, आप अच्छा मुझे ये बताएं कि अब जो बेचारे वो लोग जो आकर बस गए यहाँ पर, उनको पूरी फैमिली समेत यहाँ पर बसा दिया गया, ठीक है, उन्होंने उनको नहीं मालूम साधारण लोगों को कि ये गैर कानूनी तरीके से बनाई गई है, उनको नहीं पता कि यहाँ पर जो है इनके कितने खतरात हैं ज़िंदगी के लिए। उन्होंने देखा कि बस दो कमरों का मकान मिल रहा है, सस्ते में मिल रहा है, बस बिस्मिल्लाह करो। उन्होंने अपनी औरत ने अपने जेवर बेचे, मर्द ने कमेटियाँ डाली और जाके अपने बच्चों के लिए छत ली, और उसके बाद कुछ दिन के बाद बताया जा रहा होता है कि भाई ये बिल्डिंग जो है ये तो खतरा है, इसको तो तोड़ना है। ये भी तो फिर इस साइड से भी तो देखें, यहाँ से भी तो ज्यादती होती है फिर आवाम के साथ। जी मैडम बिल्कुल, बिल्कुल आपने बिल्कुल दुरुस्त बात कही है, और जिस तरीके से लोगों ने बीसियाँ डालकर, औरतों ने हमारियों ने लोगों के बर्तन मांझकर जिस तरीके से मकान लिए हैं, देखें लोगों को कानून का नहीं पता, लोगों को ये नहीं इलम है कि ये किस तरीके से लीज होती है, किस तरीके से ये होता है। ये गवर्नमेंट का काम था कि इदारों को ये मजबूत करते हैं, इनके इदारे जो हैं लोग पैसे खाकर, और वो लोग जो हैं आज कोई कनाडा में कोई अमेरिका में बैठा हुआ है, और ये तमाम चीज़ें, ये मेरी बहन है इनसे आप पूछें। वालेकुम अस्सलाम बेटा, अल्लाह खुश रखे। जो आप आए यहाँ के मालूमात करने बहुत ज़रूरी है, यह हमारा मोहल्ला बहुत ख़राब हो गया, यहाँ बहुत शराब बराब, ये बहुत लग रहा था कुछ लोगों के जहनी हालत देख के लग रहा था कि नशे में हम लोग को नींद नहीं आती है, शोर शराबे, नमाज पढ़ती हूँ सुबह फजर में उठ नहीं सकती हूँ नमाज के लिए क्योंकि सारी रात शोरों की आवाज़ होती है, सुबह हमें आँख लग जाती है, सुबह फजर तक यहाँ बेसकूनी होती है, बहुत बुरा हाल है। कुछ करो भाई, कुछ अच्छा कुछ करो बेटा, ये करो क्योंकि मैं यहाँ पे जब आई थी ना तो बहुत से लोगों की बहस देखकर, उनकी हरकतें देखकर लग रहा था कि वो वाकई नशा करते होंगे। मेरी बात सुनो, ये पीछे गली का मुड़ के देखो, यहाँ कोई जमादार नहीं है, केंसी वालों के तरफ से सफाई वाला कोई नहीं, पीछे गली मुड़ के देखो कितना कचरा है, ये देखो कितना कचरा है।
हालांकि कितने केएनसी के होते जमादार सुबह आते सबका, यहाँ कोई जमादार का सिस्टम नहीं है, कोई नहीं आता है, गटर भी आए दिन बंद होते, आए दिन गटर। आपका घर का है? मेरा घर ये कोने पे। मुझे सिर्फ एक बात बताएं कि मैं इतनी कम चौड़ाई है इस गली की, इतनी कम चौड़ाई और इतना करीब करीब है, डर लगता है कि खुदा ना खास्ता जब गोली मार वाला इला जो वाकया हुआ है उसके बाद कभी खुद दिल में खौफ तो है, दिल में डर तो है, बस अल्लाह के आसरे पे। अब पुराने घर बने हुए हैं तो क्या करे, कहाँ जाए। आपका काउंसलर कौन है? आप काउंसलर के पास जाती हैं? आप बल्दिया इंतखाबात यहाँ मौजूद हैं, यहाँ यूसी चेयरमैन मौजूद हैं? कभी आपका यूसी चेयरमैन जो वोट लेने आता है या आपका काउंसलर वोट लेने आता है तो आप लोग वोट सोच समझ के दें? शौक से, बड़े दिल से और बड़े चाहत से हमने इमरान खान को दिए कि मुल्क अच्छा हो जाएगा, लेकिन अभी तक हमने अच्छा होते हुए नहीं देखा। आपने तो नहीं देखा, हमने भी नहीं देखा। 104 बुखार में गई हूँ इमरान खान को वोट डालने में। इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान, सुन लीजिए लोग और खवातीन खास तौर पे, बीमारी की हालत में आपको वोट डाला था, ये याद रखिएगा। जब आप रात को सोए तो यह याद रखिएगा, लोगों ने इस तरह इस उम्मीद से और इस जज्बे से आपको वोट दिया था। जिस चीज़ का ये है, यहाँ के जो वोट है ना सब अलग अलग है। MQM ने इधर कोई काम नहीं करती हमारी गली के लिए, MQM उधर काम करती है। जी हाँ, MQM वाले हमारी गली का काम नहीं। ये बताएं कि गोली मार का अभी वाकया हुआ है और यहाँ पर आपके सर के ऊपर ऐसी ऐसी बिल्डिंग खड़ी हुई है, मुझे इन बेचारे अंदर रहने वालों पर भी तरस आ रहा है, मुझे आप लोगों पर भी तरस आ रहा है। खौफ है दिल में कि कोई खुदा ना खासा ऐसा वाकया यहाँ पे हो। क्या कर सकते हैं, ये पैसे लेके बना देते हैं? ये जब हम क्या करें, ये जब हमारे बचपन में हम छोटे थे तो ये गली इतनी थी, गली हुई है। ये आगे किसी ने घर नहीं बढ़ाया, ये गली इतनी हम बचपन से इसी गली में। छोटी सी एक ब्रेक, अब ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद दिखाएंगे आपको बहुत कुछ मेरे साथ। अब मैं आपको जरा उसी गली के अंदर लेके आई हूँ। परवरदिगार ने अगर मुझे 3 इंच का तौर दिया होता ना तो मैं आपको सिर्फ ये दिखा सकती थी कि मैं आराम से अगर यहाँ पे खड़ी होके मैं अपना हाथ इधर रखूंगी ना, या मैं अपनी टांग जो है वो इस दीवार से लगाना चाहूंगी तो मैं आराम से लगा सकती थी। तो मतलब आप यहाँ देख लेंगे, ये इतनी सी चौड़ाई के ऊपर ये 2 बिल्डिंग्स आमने सामने, और उस गली की अगर आप हालत देखें, मैंने लाइट यहाँ पे ऑन करवाई है स्पेशली, गली को देख कर आप कसम खा के बता दीजिएगा यहाँ पर कभी कोई हाथ रो, कभी कोई झाड़ू का एक टंका भी लेकर आया होगा। मुझे खुदा ना खासा हॉस्पिटलाइज होना पड़े और ये लोग यहाँ पे रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये बताइए खातून के इस जगह पे रहना इन हालात के साथ कितना मुश्किल है आपके लिए? नामुमकिन है। ये बताएं कि ये इतनी एक तो पुरानी बिल्डिंग है, सोल्जर बाजार में हम लोग आए हुए, सॉरी सोल्जर के इलाके में हम लोग आए हुए हैं, पूरा इलाका गैर कानूनी इससे अटा हुआ है, जिसकी कंस्ट्रक्शन बहुत ही गैर मियारी तरीके से की गई है। खुदा ना खास्ता अगर आपको पता है कि अगर इर्द गिर्द में कोई बिल्डिंग अगर गिर जाए तो आपको लगता है कि यहाँ पर बचत हो जाएगी आप लोगों? नहीं नहीं, नामुमकिन है। ये तो पुराने इन्होंने बनाए हुए हैं, इनको खुद ही ये चीज़ों का एहसास होना चाहिए कि ये अभी हमने पिछले ही दफ़ा वो वाकया देखा है कि पूरी गोली मार में ये वाकया देखा कि पूरी बिल्डिंग लोड में आ गई, उसमें काफ़ी जानी नुकसान भी हुआ, 27 लोग अब तक। जी जी, अब ये हमारी गली का हाल देख लें, आपके सामने है, आए दिन तो गटर बंद होते थे, गटरों का मसला खत्म हुआ है, आए दिन तो हम लोग यहाँ पे गंदे पानी से गुजर गुजर के। हमारे बताएं कि सीवरेज का मसला है ना यहाँ पर? जी बिल्कुल है, सीवरेज का मसला है। जी बिल्कुल है, ये एक महीना पहले गली बनाई है, उसके बाद से कोई झाड़ू वाला नहीं आया, कोई झाड़ू मार के नहीं आया। ये देखो आप क्या हालत हो रही है, आप पीछे भी जाओगे यही हाल होगा गली का। वो लाइने तो बिल्कुल इस जगह पे लाइने बिल्कुल नहीं डाली है, बैक साइड पे लाइने डाली है, वो बोल रहा था कि ये लाइने बिल्कुल सही है। अच्छा, गोली मार में जो वाकया हुआ बिल्डिंग गिरने का, वो तो चलो एक नाकिस उसकी वो थी, यहाँ पर वैसी बिल्डिंग मौजूद है, लेकिन दूसरा जो एक बड़ा पहलू होता है किसी भी बिल्डिंग पुरानी बिल्डिंग जो खास तौर पे है उसके क्लैप्स होने का, वो ये होता है कि सीवरेज का अगर पानी ज़्यादा अरसे तक आपकी बुनियादों में रहे, तो जिस तरह लियाकताबाद में बिल्डिंग गिरी थी तो वहाँ पे तो फिर भी थोड़ा सा खुला था, यहाँ पर तो अगर सीवरेज के मामला ख़राब हैं और बुनियादों में अगर पानी जा रहा है तो फिर तो किसी वक्त भी खुदा ना खासा ये बिल्डिंग्स भी गिर सकती है। जी बिल्कुल, ये बिल्डिंग भी गिर सकती है और रोड का भी यही बुरा हाल होता है, आज रोड सफा नज़र आ रहा है, वरना तो हमेशा रोड का यही हाल होता है, इतने इतने पानी होते हैं, बिल्कुल गटर के पानी होते हैं और नई नई बिल्डिंगें बनी है, नई नई लाइनें नहीं डाली है, बिल्कुल बहुत पुरानी लाइनें, 20-25 साल पुरानी लाइनें डाली हुई है। ये बताएं कि ये इलाके का एक अदा चेयरमैन नामी एक जो है वो मखलूक होती है, इस इलाके का कोई चेयरमैन है? कोई चेयरमैन नहीं है, इस इलाके का सब अपने ही है। यहाँ पे नौशाद एक मुत्तहिदा का चेयरमैन है, वो अपनी अपनी जगहों पे काम करवाता है, यहाँ पे नहीं करवाते।
आपको याद है ना कि बलदियाती इंतखाबात अभी होने वाले? जी बिल्कुल होने वाले। याद रहेगा ये सब कुछ? ये बिल्कुल याद रहेगा। याद रहेगा आपको? वोट लेने के लिए तो सभी इधर का मुंह रुख कर लेते हैं, ये प्रॉब्लम हल करने के बस आपकी किस्मत जागने वाली है, क्योंकि बलदियाती इलेक्शन जब आएंगे ना तो बस ये अपने हालात याद रखिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, ये बताइएगा कि आपके इलाके के जो काउंसलर वगैरह हैं, काउंसलर हैं, वो कहाँ पे होते हैं, कुछ उनको खबर है इसकी? ये नौशाद भाई होते हैं मैडम, पार्क में होते हैं, निश्तर पार्क में। निश्तर पार्क में होते हैं, वो क्या कर रहे हो? बैठे ही होते हैं बस, यहाँ उनका और कोई काम ही नहीं है बैठने के अलावा। कंप्लेन लेके जाओ ना बस, वो लाली बाप देके बस आ रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं ये कर रहे हैं बस, वो खत्म आते हैं बोल के आते हैं। अरे इत्तफाकिया कभी गलती से अगर आ गए, आ गए वरना नहीं आते होते, तो ये इस तरह हाल होता, ये हाल इस तरह नजर आता। आपसे मैं एक दरख्वास्त ये करूँगा कि जो मैंने पहले आपसे बात की कि ये अगर थोड़ी लीज बंद है, क्यों लीज दे रहे हैं इदारे, जो करके कोई नाम है उनका? कानून के तहत कोई काम हो तो ये सवाल बने ना, कानून के तहत तो कानून की तो यूं धज्जियां बखेर दी, उड़ा दिए, उड़ा देते हैं धज्जियां उड़ा, जिसको देखो ठेकेदार ये सारे कच्चे है, कोई कोई इनके पास NOC इनके पास नहीं है, कोई लाइसेंस ही आपका ठेकेदार यहाँ नहीं है, सारे बस ठेकेदार बने हुए, सारे बस ठेकेदार। किसी को अगर कोई काम नहीं मिल रहा वो ठेकेदार बन जाता है, किसी को कोई काम नहीं मिलता वो जो है ना इसी तरह साजबाज करके यहाँ पर। पता है कि कराची वो शहर है जहाँ पर एक जानवर की जिंदगी की कीमत तो ज्यादा हो सकती है, लेकिन एक आम आदमी की जिंदगी की कीमत टके से भी कम की हो गई है। चेयरमैन साहब है नौशाद, आपने बताया तो नौशाद भाई जहाँ भी है कहीं भी आप अगर मौजूद है तो खुदा के लिए इस प्रोग्राम को देखने के बाद अब तो इतनी गलियों का रुख करें। एक तो वैसे ही पूरी जगह जाल बना हुआ है इन गैर कानूनी इमारतों का, सीवरेज के इंतहाई नाकिस इंतजाम और इन कचरे ने आपकी जो है वो यहाँ पर कलई खोली हुई है। बंदा पीटे अपना सर, कहाँ कहाँ पीटे कराची में, कहाँ कहाँ आवाज़ उठाए कुछ समझ में नहीं आता। आज मैं आपको सोल्जर बाजार में ये हालत में दिखा के चली गई हूँ, कल खुदा ना खास्ता याद रखिएगा यहाँ से कोई अगर बिल्डिंग कोलैप्स हुई तो ये याद रखिएगा, सोच लीजिएगा रजिस्टर्ड है प्रोग्राम कि किसके ऊपर आपको जो है वो उंगली जो है वो उठानी है और कौन कसूरवार होगा। आपको अच्छे तरीके से अब पता चल गया होगा, पता तो आपको पहले भी था लेकिन आवाज उठने की बस देर होती है, आवाज हमने उठा दी हमारा काम हुआ मुकम्मल। तो इस प्रोग्राम को देखने के बाद भी आप अगर यहाँ पर नहीं आते, और दूसरी बात ये मुझे उन लोगों के लिए बहुत बुरा लगता है, सच्ची बात ये दिल दुखता है उन लोगों के लिए कि जिनका कसूर सिर्फ ये होता है कि वो एक सस्ता घर उनको ही जरूरत होती है, और जब ऐसी जगहों पर उनको घर मिलता है तो वो कुछ नहीं देखते कि कहाँ पर हम लोग घर खरीद रहे हैं, हम पूंजी कहाँ पर लुटा रहे हैं अपने घर वालों को, कहाँ पर हम उनको छत दे रहे हैं। और जब ऐसी जगहों पर आके आप बस जाते हैं फिर उसके बाद ये आता है कि भाई ये कानूनी गैर कानूनी इमारत है यहाँ पर गिरा दिया जाए, तो एक तरफ उन लोगों के साथ भी ज्यादती है, यानी कि सज्जे खब्बे जो पिट रहा है, जो मर रहा है ना वो बेचारा, ये आम आदमी मर रहा है। किसी अशराफिया पे तो किसी को हाथ डालने की अभी तक जहमत हुई नहीं है, जिनके ऊपर बात की गई जिनके नाम हमने सुने वो रूपोश हुए हैं, SBCA के वो तमाम तर अफसरान, वो ठेकेदार नहीं मिल रहा जो गोली मार उस बिल्डिंग का जो था वो बनाने वाला और मालिक था, पिलर उसका जो था वो पहले से ही वो जो था ना वो उसको बताया जा रहा है रिपोर्ट के मुताबिक कि वहाँ पर उनको पता था ये पिलर एक तरफ झुक गया है, बाला ही बाला बगैर किसी को बताए वहाँ पर काम चल रहा था, लेकिन पता था आपको कि वो किसी वक्त भी इमारत गिर सकती है। मैं कहती हूँ मेरे हाथ में होता, मैं चुन चुन के ना मुझे पता था कि किस किस शख्स के खिलाफ जो है ना वो एकदम कत्ल का जो मुकदमा है वो दर्ज करवाना ही, इनके खिलाफ कोई छोटा मोटा केस नहीं बनता, इनके खिलाफ 27 लोगों की कत्ल का केस बनना चाहिए। मैं पहले भी ये कहती थी, मैं अब भी यही कहती हूँ। बहरहाल आज का प्रोग्राम कराची के पास बस यहीं तक, मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत अलाने के बाद।